बिहार के पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रखी गई। बैठक में काफी समय बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। इस बैठक के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने इसे अच्छा बताया और कहा कि जातीय सर्वे का फैसला तभी लिया गया था जब बीजेपी सरकार में थी। जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई न कोई निर्णय हुआ है, कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजोल्व हुए हैं। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड के रांची में होगी, लेकिन तब तक एक साथ शाह और नीतीश की ये तस्वीरें और विशेष राज्य के दर्जे के साथ जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले की चर्चा सियासी गलियारे में होती रहेगी।